और टीमेक्स पर आके स्मैश से यहाँ पे बाहर हो गया। सैड इंडरा जरूर से वो ग्रेनेड थ्रो करने के दौरान रिफ्लेक्ट हो गया होगा या फिर ओवरकुक्ड, आई डोंट नो, वो हम लोग को हाईलाइट से माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे टीमेक्स पर का 9 फिनिश निकाल चुके हैं। वाइपर के फिनिश देखिए, 4 अकेले के यहाँ पे निकाले गए। और जो कंट्रीब्यूशन अपनी टीम की तरफ से कंट्रीब्यूशन वो कमाल का चल रहा है। मिड रेंज पे ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के ऊपर थोड़े से भारी पड़ने की यहाँ पे जो बारी है वो यहाँ पे टीम सोल अपने एंड से दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वहां पर एकदम से सडनली वहां पर मल्टीपल फुट स्टेप आए होंगे और जल्दबाजी में ग्रेनेड वहां पर फेंका होगा जिसकी वजह से टकरा के बात करें चाहिए था आज यहाँ पर उनको इंप्रूवमेंट करना। पहले गेम में देखिए डिसेंट परफॉर्मेंस था, 5 अंक लेके गए थे, लेकिन इस गेम में देखिए टॉप 5 में भी अपने आप को लेकर आ चुके हैं, 9 फिनिश में निकाल चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं उनके द्वारा। देखिए अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है, जब उनको लग रहा है कि नॉकआउट है तो स्लाइमन भी यहाँ पर दे रहे हैं और काफी शानदार सफर अभी के लिए टीम सोल का यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब इम्पैक्ट किस तरह से जाएगा ओवरऑल स्टैंडिंग्स में और आज की स्टैंडिंग में वो देखने वाली बात है यहाँ पर। लेकिन एलियस आपको तो अब आना पड़ेगा यहाँ पर जोन के अंदर में, हाइट एडवांटेज का आप काफी देर से फायदा उठा रहे थे, स्मोक पास क्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन टीम सोल की नजर से और बाकी और भी जितनी भी टीम्स है कैमिन और एफएल उनकी नजर से आपको बच पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है यहाँ पर। देखिए मैं थोड़ी देर पहले फिनिश फील्ड में देखा कि सोल वाइवर की तरफ से क्लच देखने को मिला, जहां पे उन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे ग्रेनेड के साथ वो चीजें अपने एंड से करके दिखाने में कामयाब हो पाए। तो बिल्कुल यहाँ पे सोल से अच्छा ओपन द चैट गाइस, क्योंकि फाइनली वो जो फॉर्म की बार है वो यहाँ पे देखने को मिलना स्टार्ट हो चुका है। 12 को फिलहाल यहाँ पे नॉकआउट कर चुके हैं। अक्षत यहाँ पे बात किया तो मैंने फॉरन से उन्हें फिनिश ऑफ भी करने में कामयाब होंगे, बैकअप दूर दूर तक नहीं लेकिन स्मोक्स के अंदर आ चुके हैं। लेकिन सर्कल अलाउ नहीं करेगा उन्हें कि आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओ इस पूरे मैच में, क्योंकि हाई डैमेज सर्कल फेस करना पड़ेगा जिसके कारण यहाँ पे मैच से बाहर हो सकते हैं। और टीम सोल की तरफ से लग तो रहा है कि यहाँ पे एक चिकन आ सकता है यहाँ पे। और रॉक्स की यहाँ पे बात करें तो थोड़ी सी यहाँ पे जो फिनिशेज इनके एंड पे आने चाहिए वो कहीं ना कहीं बाकी टीम्स की तरफ भी यहाँ पे हम लोग को देखने को, नॉक कोई और कर रहा है, फिनिश कोई और कर रहा है, ये आखिर के सर्कल में ये बैटल हम लोग को देखने को मिलता है गेम। सो 12 फिनिश यहाँ पर टीम सोल अभी के लिए निकालते हुए एक के बाद एक और झटके यहाँ पर टीम को देती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, एक अच्छी पोजीशन में फिलहाल मुझे अभी के लिए टीम सोल। लेकिन चैलेंजेस यहाँ पर टीम कैमिन इनको दे सकते हैं, ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग के खिलाड़ी यहाँ पर दे सकते हैं और सबसे बड़ा चैलेंज जो है एफएल के रूप में अभी भी मुझे यहाँ पर देखना है, क्योंकि एफएल के पास अगर देखा जाए अच्छे खासे फिनिश उनके पास भी है, 9 फिनिश टीम एफएल निकाल चुकी है, मतलब अगर हम बात करें एक कॉन्फिडेंस से भरपूर है टीम। लेकिन टीम सोल का भी कॉन्फिडेंस हम कम नहीं आ सकते, 12 फिनिश है, एक भी कैजुअल्टी यहाँ पर नहीं गए, लेकिन अभी के लिए एक आर्टिफिशियल कवर क्रिएट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि व्हीकल्स के ही थ्रू यहाँ पर उनको अच्छे खासे यहाँ पर कवर मिल सके। एंड हर टीम यही चाहे कि दो टीम्स आपस में भिड़ जाए और हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे और सही मौके आने पर थर्ड पार्टी वहां पर करेंगे उन टीम के ऊपर। बिल्कुल ये जी यहाँ पे देखने को मिलेगा गाइस, यहाँ पे बात करें 24,000 लाइक हो चुके हैं, लगभग 40,000 के आसपास लोग देख रहे हैं। तो मेक श्योर गाइज वहां पे जो ट्राई करना है वो करना है कि 30,000 से ज्यादा लाइक हमारे हो जाना चाहिए इस मैच के दौरान। तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि 3,00,000 के क्लोज आ चुके हैं गाइज। तो आप एक बार सब्सक्राइब का बटन देखिए, अगर वो रेड नहीं है, रेड है तो उसे आप दूसरे क्लन में से लेके आ जाइए और ट्राई करिए कि वो 3,00,000 सब्सक्राइबर आज के डेट में हम कंप्लीट कर पाए। वो आपके सपोर्ट के साथ वो चीजें थोड़ी सी आसान सी हो जाएगी। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और वापस इस गेम की तरफ चलते हैं कि बर्थडे बॉय तो मान चुके हैं कि लग तो रहा है कि चिकन की तरफ यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं और उसके लिए सर्कल का एडवांटेज भी टीम सोल के पास जा चुकी है। यहाँ पे बात करें तो वीरू अपने एंड से यहाँ पे वो हर एफर्ट लगा रहे, देखिए 13 फिनिश है जिसमें से 5 फिनिश तो वीरू के, 4 फिनिश यहाँ पे वाइपर के एंड बाकी के फिनिशेज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट एंड रॉक्स की तरफ यहाँ पे बात करें तो जरूर से डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग को होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन जो ये दो प्लेयर्स की तरफ से एफर्ट देखने को मिला है वो फिनिश फील्ड के फिनिश में यहाँ पे बात करें इजाफा, लेकिन यहाँ पे बात करें तो वीरू ऑफ गार्ड पाए जा सकते हैं, लेकिन अच्छी बात रही कि वो हल्का सा यहाँ पे डिप मिल गया। डार्क क्लाउड को फ्लैट डाउन करेंगे कैमिन स्पोर्ट्स के, अच्छे तो इससे मौके का फायदा यहाँ पे टीम सोल उठाना चाहते हैं। पीछे से यहाँ पे बात करें तो बैक स्टेप करने की कोशिश थी लेकिन अब एंगल बहुत क्लियर है, कैमिन स्पोर्ट्स को आगे आना पड़ेगा और वीरू यहाँ पे अलाउ नहीं करने वाले। कुछ समय पहले बात करें तो ये भी उनके एंड से थे लेकिन आज उनके जब सामने यहाँ पे उनके अगेंस्ट है देखने वाली बात होगी वीरू के लिए की चीजें कितनी आसान होगी। स्पॉट कर चुके यहाँ पे स्प्रे करेंगे प्रोन स्प्रे अक्षत की तरफ से लेकिन फर्क पड़ेगा नहीं, न्यू प्लेयर को यहाँ पे डाउन करते के साथ ही अपने आप को रिपोजिशन करते हैं, फिनिश ऑफ भी करना ये रिस्की था लेकिन कामयाबी मिली, रिजल्ट मिला, रिवॉर्ड मिला, वो यहाँ पे गिनेंगे। अक्षत को भी यहाँ पे टेक डाउन कर चुके हैं वीरू, आर यू किडिंग मी, यहाँ पे एक एक करके प्लेयर को नॉक आउट करते चले जा रहे। बर्थडे बॉय अपना गिफ्ट चाहते हैं, गिफ्ट के नाम पे हैट्रिक डिनर करना चाहते हैं और उसके लिए खुद ही एफर्ट यहाँ पे इतना उमदा लगाया गया है कि अब क्या ही बोला जाए। फिर यहाँ पे मॉली थ्रो कर चुके हैं, ग्रेनेड यहाँ पे थ्रो करेंगे, क्या ये ग्रेनेड ऑन पॉइंट हो सकता है? बिल्कुल कैमिन स्पोर्ट्स इसके रडार पे आ चुके हैं और वीरू यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे। अक्षत को डाउन किया गया, ओमेगा को डाउन किया गया, माइटी प्लीज उनसे डाउन हुआ एंड दूसरे एंगल पे भी जाके यहाँ पे वीरू वीरू